इलॉन मस्क ने अटैक किया यूट्यूब को उनकी स्कैम एड्स के लिए। वेल, जैसा उम्मीद थी, इंटरनेशनल वीपीएन कंपनीज ने अब अपने शटर डाउन करना शुरू कर दिया इंडिया में। मार्क जुकरबर्ग को रिजाइन कर देना चाहिए कहना है। हे गाइस, मैं हूं प्रशांत फ्रॉम टेक्लूडो और स्वागत करता हूं आपका नए एपिसोड ऑफ टॉप ट्रेंडिंग स्टोरीज में, जिसमें की टेक्नोलॉजी एंथुसियास्ट के लिए मसालेदार न्यूज अवेलेबल होती है। वेल, शुरू करते हैं, मजा आएगा। न्यूज नंबर वन, इलॉन मस्क ने अटैक किया यूट्यूब को उनकी स्कैम एड्स के लिए। वेल, इलॉन मस्क ऐसा इंसान, ऐसा टेक बिलियनियर जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी तो है ही, लेकिन हमेशा चर्चा में बना रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ कॉन्ट्रोवर्सी दिलाते ही रहता है। उन्होंने अब एलिज किया है यूट्यूब को ट्रोल करते हुए, वो भी ट्विटर पे, कि भाई अपनी स्कैम एड्स रन करना बंद करो, तुम्हारी एड्स के चक्कर में लोग फंस रहे हैं। और इस चीज के सपोर्ट में मिस्टर बीस्ट के नाम से, जिनको आप ऑलरेडी जानते होंगे, डोनाल्डसन, जो मिस्टर बीस्ट से ज्यादा पॉपुलर है, वो खुद एक बहुत बड़े यूट्यूबर है, ऑलमोस्ट 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले उनके, उन्होंने खुद ये बात बोली रिप्लाई करते हुए मस्क को, कि भाई सही बात है, मैं खुद ऐसे यूट्यूब स्कैम एड्स के चक्कर में आया हूं, फंसा हूं, और डेफिनेटली कुछ करना चाहिए यूट्यूब को इसके बारे में। वेल, गूगल जो कि यूट्यूब ओन करता है, उसने इस एलिगेशन को पहले फ्लैटली डिनाई कर दिया है। न्यूज नंबर टू, इंटरनेशनल वीपीएन कंपनीज अब इंडिया छोड़ के जा रही हैं। वेल, जैसा उम्मीद थी, इंटरनेशनल वीपीएन कंपनीज ने अब अपने शटर डाउन करना शुरू कर दिया इंडिया में। एक्सप्रेस वीपीएन, जो कि एक पॉपुलर वीपीएन सर्विस है, उसने तो कुछ दिनों पहले ही अपने इंडिया में सर्विस शट डाउन कर दी है। सर्फशार्क, एक और पॉपुलर वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर, भी आने वाले कुछ दिनों में अपने शटर डाउन करने वाला है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि काफी टफ वीपीएन लॉज को लॉन्च किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, जिसमें कि ऐसे अजीब अजीब से रूल डाले गए थे जो कि वीपीएन कंपनीज के नेचर के ही अगेंस्ट थे, कि भैया अपने जितने भी यूजर्स हैं उनकी लॉग शीट्स को मेंटेन करो, उनके बिहेवियर को, उनके आईपी एड्रेस को रिकॉर्ड करो, एटलीस्ट 5 साल तक रिकॉर्ड करके रखो। ये चीज वीपीएन कंपनीज को गवारा नहीं थी, उन्होंने साफ बोल दिया था कि वो ये नहीं करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट ने बोला था छोड़ के भागो, और वो अब भाग रहे हैं। न्यूज नंबर थ्री, मार्क जुकरबर्ग को रिजाइन कर देना चाहिए कहना है विसल ब्लोअर फ्रांसिस होगन का। वेल, फ्रांसिस होगन को अगर आपको याद नहीं हो तो हम याद दिलाते हैं कि वो एक यंग फेसबुक एम्प्लॉय थे जिन्होंने बहुत बड़ा स्कैम को ब्लू अप किया था लास्ट ईयर। वेल, होगन ने ये बोला है कि अगर फेसबुक को अपनी पुरानी ग्लोरी वापस चाहिए तो मार्क जुकरबर्ग को अपनी पोजीशन से हटना पड़ेगा, वरना उनका कुछ नहीं होने वाला। और जितनी बड़ी बेट जुकरबर्ग ने मेटा पे ली है, मेटावर्स पे ली है, वो भी बहुत बड़ी फ्लॉप होने वाली है, ये कहना है होगन का। अब होगन इस बारे में सच्चाई होगी कितनी होगी पता नहीं, लेकिन इतना तो तय है कि जुकरबर्ग का जो इन्फ्लुएंस है मेटा पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप एंड ऑल दीज कंपनीज, वो कहीं कम नहीं होने वाला है, क्योंकि वो जितना मेजॉरिटी शेयर्स कमांड करते हैं मेटा कंपनी के अंदर, उसका कोई मैच नहीं है। इसलिए अगर वो किसी दिन पोजीशन को छोड़ भी देते हैं ना, ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला उनके इन्फ्लुएंस का। न्यूज नंबर फोर, विनी बंसल का बैक स्टार्टअप रूपीक ने ले ऑफ किए 200 एम्प्लॉइज। ले ऑफ का जमाना तो इस टाइम पर बुरी तरीके से चल रहा है, इंटरनेशनल मार्केट, इंडियन स्टार्टअप, हर जगह सेम सीन चल रहा है, ले ऑफ, जॉब कट्स हर जगह ही देख रहे हैं। रूपीक का एक और नाम जुड़ गया है, गोल्ड लोन स्टार्टअप था जिसको बैक कर रहा था विनी बंसल, फ्लिपकार्ट का फाउंडर। अब उन्होंने अपने 200 एम्प्लॉइज को ले ऑफ कर दिया है मैसिव फंड क्रंच होने की वजह से। वेल, ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप की लंबी लिस्ट बन चुकी है, चाहे वो अनअकैडमी हो, वेदांतु हो, कास्ट 24, मीशो, एमपीएल, ट्रेल, ओके क्रिकेट, जाने कितने और स्टार्टअप्स जिन्होंने मैसिव ले ऑफ कर दिए, क्योंकि फंड क्रंच बड़ा ही सीरियस है। और यस, इस टाइम पर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को कम करने के लिए ले ऑफ से बेटर उनको कोई और ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो ये थी आज की टॉप ट्रेंडिंग स्टोरीज। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर घंटी बजाएंगे तो हमें और भी पसंद आएगा। हमारी वेबसाइट techpluto.com को भी आप विजिट कर सकते हैं ऐसी और स्टोरीज पढ़ने के लिए। मैं हूं प्रशांत, मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में।